घुमारवीं उपमंडल के साथ लगते जिला मंडी के कस्बा बुलद्वाड़ा की ग्राम पंचायत चौक के वार्ड नंबर 5 गम रालन की 62 वर्षीय वृद्धा महिला रोशनी देवी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपने इकलौते बेटे को बचाने की गुहार लगाई है। रालन गांव की रोशनी देवी ने रोते हुए बताया कि उसका इकलौता बेटा 4 वर्षों से अमेरिका में एक निजी होटल में काम कर रहा था तथा होटल में ही उन्होंने मेक्सिको सिटी में एक निजी होटल में ज्वाइन किया था। रोशनी देवी ने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्हें सूचना मिली है कि उनका बेटा मेक्सिको में एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल है तथा वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। इस अनहोनी सूचना के चलते न केवल घर में बल्कि गांव में भी सन्नाटा पसर गया है तथा हर कोई इस परिवार को ढाढस बंधाता हुआ नजर आ रहा है। रोशनी देवी ने बताया कि अश्विनी कुमार उर्फ सोनू उसकी इकलौती औलाद है तथा उसने 4 वर्ष पहले ही चंडीगढ़ के एक निजी प्रशिक्षण संस्थान से होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था तथा वह अमेरिका के एक निजी होटल में कार्य कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने मेक्सिको के लिए एक निजी होटल में ज्वाइन किया था। उन्होंने बताया कि अश्विनी कुमार की 2 साल पहले ही सरकाघाट की ज्योति से शादी हुई थी। अश्विनी कुमार की मां रोशनी देवी ने बताया कि जैसे ही उन्हें अपने बेटे के घायल होने की सूचना मिली तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। रोशनी देवी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि उनका बेटा जो बुरी तरह से घायल था सड़क पर ही गिर पड़ा था तथा जिस होटल में वह कार्य कर रहा था वहीं के एक कर्मचारी ने उसे वहां हॉस्पिटल में पहुंचाया तथा बाद में उसका उपचार भी शुरू हुआ। उधर अश्विनी कुमार के दादा पूर्व सैनिक दुर्गा दास ने बताया कि जैसे ही परिवार को अश्विनी कुमार के घायल होने की सूचना मिली तो वह सारा परिवार ही सदमे में चला गया। उन्होंने बताया कि अश्विनी कुमार के पिता नारायण सिंह अपने परिचितों के साथ तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं ताकि वह वहां विदेश मंत्रालय से संपर्क कर अपने बेटे का कुशल क्षेम जान सकें। उन्होंने बताया कि अभी तक जान पहचान न होने के कारण उन्हें विदेश मंत्रालय के दिल्ली में धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई है कि वह तत्काल इस परिवार की मदद करें। उधर अश्विनी कुमार की मां रोशनी देवी ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से रोते हुए गुहार लगाई है कि वह उनके बेटे से बात करा दें तथा उनका बेटा कैसा है इस बारे में कम से कम सूचना ही मुहैया करवा दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह व्यवस्था कर दे कि घर का कोई अश्विनी कुमार से वहां मिलकर न केवल उसका कुशलक्षेम जान सके बल्कि इस कठिन घड़ी में वह उसकी मदद भी कर सके। अश्विनी कुमार के परिजन ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि अश्विनी कुमार कुछ समय पहले घर आया था तथा उन्होंने भी अपने बेटे नागेश्वर सिंह को उसके साथ अमेरिका भेज दिया था, लेकिन उनका बेटा नागेश्वर अमेरिका में ही किसी दूसरी जगह पर कार्य कर रहा है। उन्होंने भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे नागेश्वर को ही केंद्र सरकार तत्काल अश्विनी कुमार के पास भेजने की व्यवस्था करे ताकि घर का कोई न कोई सदस्य तत्काल अश्विनी कुमार के पास पहुंच सके। अश्विनी कुमार के चाचा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें अमेरिका के होटल के कर्मचारी द्वारा ही ये सूचना मिली है कि अश्विनी कुमार सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा था तथा उसे वहां निजी हॉस्पिटल में लोगों द्वारा पहुंचाया गया था। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि